हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जॉब्स की वीडियो है। आपको जॉब्स मिलेंगी काफ़ी जगहों पे, काफ़ी कंट्री के लिए जॉब्स आई हुई हैं। और आपने जैसे पिछली बार देखा था, अभी पिछली वीडियो में कुछ दिन से पहले, कि एक शेफ़ का प्रोसेस हुआ था। 4 महीने में उनको TRC मिली थी एम्बेसी से, और वो अभी इस टाइम स्लोवेनिया पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जॉब्स बताता हूँ, कौन कौन सी जॉब्स है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, कोई टाइम इसमें आपका वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी प्रोसेस होगा आपका। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे मेरे, उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो आपको एकदम फास्ट और पहले मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो आप लोग जो भी इसमें अटैच हो सकते हैं, रिलेटिव हो आपके लिए, जो आपको जानते हो, एक्सपीरियंस हो, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल हो आप व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैं अभी बोल देता हूँ आपको, +91 जो इंडिया से बाहर है, 6391414867, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल मैं फ्री होकर आपको जवाब दूंगा। सेम टाइम में अगर कॉल उठ गई तो बात हो जाएगी, अगर नहीं उठती तो आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं फ्री होकर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताते हैं आपको कौन कौन सी जॉब्स मेरे पास आई हैं, कौन कौन सी कंट्रियों में। तो फ्रेंड, सबसे पहले जॉब मेरे पास है वो है आपकी शेफ़ की। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि शेफ़ का जो प्रोसेस हुआ था, उनका 4 महीने में प्रोसेस हुआ था। वो 4 महीने में उनको TRC आ गई थी। TRC आने के बाद उनका फ्लाइट हुआ और इस टाइम वो स्लोवेनिया में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उनके जाने से, उनके परफॉर्मेंस से और टाइम, कम टाइम में बंदा वहाँ पहुँचा है भाई हमारा, तो उनकी जाने से मुझे ये नेक्स्ट जॉब और मिली। एक शेफ़ की ज़रूरत और है वहाँ पे, अभी इस टाइम आपको वो एक शेफ़ की ज़रूरत और है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ब्रदर। मेरे भाई जल्दी कॉन्टेक्ट करिए, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो और जल्दी से जल्दी जो भी भाई हमारे शेफ़ हैं वो स्लोवेनिया पहुँचें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जॉब मेरे पास है वो ट्रक ड्राइवर की है, वो भी स्लोवेनिया के लिए ही है। ट्रक ड्राइवर में बस थोड़ा सा ये है कि भाई गल्फ़ का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उनके पास लाइसेंस गल्फ़ का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लाइसेंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए और वीडियो होना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, उनका सिलेक्शन उसी पे हो जाएगा। लाइसेंस इंडिया का है चलेगा, कोई इशू नहीं है। और भाई प्रोसेस टाइमिंग 3 से 4 महीने का ही रहेगा, बहुत लंबा प्रोसेस का टाइम नहीं जाएगा आपका, वेस्ट नहीं होगा टाइम। तो इसके लिए जो भी भाई ड्राइवर हैं हमारे, और कांटेक्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अर्जेंट नीड है। और सबसे ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है भाई वो है हमारे कार मैकेनिक की, जो गाड़ी बनाते हैं ना मैकेनिक जो होते हैं, उनकी मैकेनिक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत अर्जेंट ज़रूरत है भाई। कई दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने बात की कई जगहों पर, तो कांटेक्ट हुआ है, बट किसी को कुछ काम नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम की वजह से। भाई मुझे बहुत ज़रूरत है स्लोवेनिया के लिए गाड़ी मैकेनिक, कार मैकेनिक के लिए। तो जो भी भाई मैकेनिक हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सैलरी पैकेज होगा, यूरो में सैलरी है और 4 महीने का प्रोसेस टाइम है। जो भी भाई मैकेनिक है उनकी भी वीडियो चाहिए होगी, अगर एक्सपीरियंस है बाहर का तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कार बनाते हुए वीडियो चाहिए। ठीक है ब्रदर, ये हो गए स्लोवेनिया की 2 जॉब। अब एक जॉब हमारे पास है जो कि कार सीट कवर टेलर, ब्रदर कार सीट कवर टेलर चाहिए हंगरी में। हंगरी में कार के सीट कवर जो होती है उसकी सिलाई करने के लिए एक टेलर चाहिए, स्टिचिंग करने वाले। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो और भी पहले बनाई थी, उसमें पोलैंड के लिए चाहिए थे कार सीट कवर टेलर, वो सब पूरे हो गए थे। अभी ये हंगरी के लिए जॉब है, इसमें भी 4 से 5 महीने का प्रोसेस टाइम है। ठीक है, इसमें वीडियो की नीड है, आप जो भी भाई टेलर हैं जो स्टिचिंग कर सकते हैं वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी सैलरी अच्छी पैकेज होगा, आप लोग कांटेक्ट करेंगे मैं बताऊंगा आपको, मैंने नंबर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज डालें। इसमें भी वीडियो है, अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, मतलब वीडियो आपकी चाहिए काफ़ी है, वीडियो पे ही काफ़ी सारा काम हो जाएगा आपका सिलेक्शन, कोई इशू वाली बात नहीं है। और हंगरी में ही इसके बाद जो जॉब्स आएंगी वो आ गई हैं मेरे पास, लेकिन पहले कार सीट कवर टेलर पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे ये हॉस्पिटल क्लीनिंग। हॉस्पिटल क्लीनिंग में बंदे चाहिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो वर्कर होते हैं सिर्फ लेबर, उसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, ये चालू करेंगे। तो पहले कार सीट कवर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अब भाई बात करते हैं स्लोवेनिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब्स हैं। उसमें मुझे जो बंदे चाहिए वो सब चाहिए स्किल वर्कर, यानी कि जो
भी कोई भाई वेल्डर हैं, मिग वेल्डिंग से 5G वेल्डिंग 6G वेल्डिंग जो भी करते हैं उनकी वेल्डिंग की वीडियो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और उनका प्रोसेस हो जाएगा। अभी एक भाई हमारे वेल्डिंग करते थे, उनका प्रोसेस हो चुका है, बायोमेट्रिक हो चुका है, अभी हम लोग TRC का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनसे भी बातचीत होगी तो वो भी आप देखेंगे यूट्यूब पर। फ्रेंड्स वेल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मैशन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, टाइल्स फिक्सर हैं वो कर सकते हैं, स्टील फिक्सर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसका फोल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कंक्रीट वर्कर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। स्किल होनी चाहिए उनके पास, वीडियो हो तो अच्छी बात है, वरना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छी बात है। ये फ्रेंड्स मेरे पास अभी जो जॉब्स थी मैंने बताई आप लोग को, एक तो शेफ और कार मैकेनिक और आपका कार सीट कवर टेलर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और वेल्डर और आपका ये क्लीनिंग, हॉस्पिटल क्लीनिंग, ये इतनी जॉब्स हैं। इनमें जो भी लोग भाई रिलेटिव जॉब्स हैं जिन जो इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं गल्फ यूरोप में, शिनेगन कंट्री हैं भाई, कांटेक्ट करें उससे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें। अगर बाई चांस कॉल नहीं उठती है, बिजी जाती है, तो आप मैसेज डाल दें, मैं आप फ्री होकर तुरंत आपको जवाब दूंगा। और भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारी तरफ से आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, और एक आपको हम वीडियो पे अभी बता देते हैं जो हम आप लोग के लिए एक सर्विस रखी है हमने ख़ास कर, कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है भाई कि अगर प्रोसेस किया और प्रोसेस नहीं हुआ या कैंसिल हो गया तो आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन भाई अगर हमारी तरफ से प्रोसेस नहीं होता, वैसे ऐसा होगा नहीं, 100% होगा, अगर नहीं होता आपका एक रुपया भी नहीं जाएगा कहीं, कोई लॉस नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रोसेस किया, आपने सपने देखे और आपने मेहनत करी, पैसे अरेंज करे और वो डूब गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, 100% प्रोसेस है। और आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, पूरा पैकेज पूरी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊँगा। जो मेन चीज़ थी वो मैंने इसमें आपको शेयर कर दी है, किसी भी भाई का अगर प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस 100% है, फिर भी मैं एक बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात होती है, अगर किसी के माइंड में ये बात आती है, क्योंकि आज मुझसे लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि भाई अगर प्रोसेस नहीं होता है, कैंसिल होता है तो कितना पैसा कटेगा। भाई कोई पैसे का लॉस नहीं होगा, हमें भी पता है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें फेस की हैं अपने फ्यूचर में, मैंने भी काम किया कंट्रियों में, तो किसी का पैसा भाई मेरी तरफ से एक रुपया भी नहीं डूबेगा। इंशाल्लाह आप लोग का प्रोसेस होगा और आप लोग जाएंगे, जब जाएंगे तभी आपका पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो भाई जो भी लोग हमारे इंटरेस्टिंग है, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो इंटरेस्ट रखते हैं यूरोप में जाने का, अपने फ्यूचर बनाने का, वो लोग कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बहुत स्मूथ प्रोसेस होगा भाई, जितना हेल्प हो सकेगी वो हेल्प भी मिलेगी आप लोग को मेरी तरफ से, और प्रोसेस बहुत अच्छे से और वो कम टाइम में, इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि 4 महीने में आपका प्रोसेस हो जाए। जैसे कि आपने शेफ की वीडियो देखी, 4 महीने से ऊपर वो स्टेम स्लोवेनिया में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास पोलैंड की भी है जॉब है, लेकिन वर्क परमिट है, लेकिन उसमें रिफ्यूज़ल होता है, हालांकि अभी तक अपना पोलैंड पे कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी इसलिए हम लोगों ने ये कंट्री में रखा है कि ये 100% है, इसमें रिफ्यूज़ल वाला कोई चांस नहीं होता। हंगरी में, स्लोवेनिया में, लिथुवेनिया में कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है स्लोवेनिया में TRC आपको इंडिया में मिल रही है, ठीक है भाई। तो जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं बाहर जाने में, यूरोप जाने में, अपना फ्यूचर बनाने में, वो लोग कांटेक्ट करें। मैं आपका दोस्त नौशाद भाई फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इंशाल्लाह कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, अच्छी न्यूज़ लेके। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।